की मूल अवधारणा में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है। ये बहुत प्रतिष्ठित योजना थी जिसका मतलब था एक वस्तु एक कर एक राष्ट्र, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मूल भावना यही थी कि पूरे राष्ट्र के अंदर एक वस्तु के लिए एक ही कर एक व्यक्ति को दे, जिससे कि कई ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई मजबूती मिलेगी और एक नए आयाम स्थापित होंगे। GST उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कारगर कदम। 2016 का जो अंतिम जो क्वार्टर थी उसके अंदर देश की GDP 9.3 के करीब थी, आज देश की GDP है वो 5.7 हो गई है। 1% GDP गिरने का मतलब है 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रति नुकसान होना। निश्चित रूप से जो देश की अर्थव्यवस्था है बहुत ही संकट के दौर से गुजर रही है। GST की वजह से मैं समझता हूँ भारत एक नए आयाम स्थापित करेगा। ये नवाचार है और इस नवाचार के जरिए भारत में बहुत सी संभावनाएं बनेगी। टैक्सेशन जो है सरलीकरण हुआ है, जरूर नई चीज जब लागू होती है तो कई समस्याएं आती है और उन समस्याओं को अपन समस्या समझ के उन चीज़ों को लागू नहीं करें तो वो ठीक नहीं है। जब उन समस्याओं को अपन आदत में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे, करने लग जाएंगे तो डिपार्टमेंट भी और व्यापारी भी आपस में अंडरस्टूड हो जाएंगे और ये चीज़ें क्रमबद्ध होने लग जाएगी तो ये देश के लिए बहुत बढ़िया हो गया। समस्याएं हैं देश के सामने और क्या आर्थिक मोर्चे पर समस्याएं ज़्यादा हैं। मोदी सरकार दो फॉर्मूले लेकर आई जिनमें बात की गई कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा क्योंकि युवाओं ने ही इस सरकार का चयन किया। 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया गया और इसके लिए मेक इन इंडिया का फॉर्मूला लाया गया। जयसिंह कोठारी साहब, रुक करना चाहता हूँ आपका, मेक इन इंडिया क्या आज पटरी पर है, क्या इसको आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और क्या युवाओं के रोजगार सृजन में इसका कहीं कोई योगदान है? नहीं देखो, मेक इन इंडिया इसलिए नहीं है कि ये केवल हम हमारा नारा कुछ भी बना ले, उसके लिए कोई दुनिया में कोई नहीं रोकता। लेकिन जो हालात हम जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं उसको देखते हुए जहाँ जब यहाँ पे डिमांड ही नहीं है या डिमांड ख़त्म हो रही है तो कौन यहाँ पे काम करने के लिए आएगा? तो ये जो भी इंटरनेशनल जो लॉबी है या जो बिजनेसमैन है जो समझ रखते हैं वो ऐसे हालात में कभी नहीं जाते। वो बिल्कुल मरे का माल खरीदना चाहते हैं। वो आज के 5 साल बाद में मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में आएंगे जब आपके सब बैंकों के NPA कोई यहाँ लेने वाले नहीं होंगे। वो 2-2 लाख करोड़ की चीज़ 50,000 करोड़ में लेके जाएंगे और तब सरकार के समझ में आएगा कि हमने क्या किया। तो हम खुद जो क्रिएट किया हुआ है उसको डिस्ट्रक्शन वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं और कोई भी जो सिस्टम है कोई भी जो है वो अपने अपने आर्थिक सुधार एक ऐसा फंडा पकड़ रखा है जिसकी न मोदी जी को कोई समझ है। वो कौन सी स्कूल में पढ़ के आगे, कौन सी कॉलेज में पढ़ के आगे जो आर्थिक सुधार के बारे में जानते हैं? जेटली जी ने वकालत की वो क्या जानते हैं? तो ये एक मनी इकोनॉमी का गेम इसको कहते हैं, ये मनी इकोनॉमी का गेम है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है या इसके जो पॉसिबिलिटी जो है क्या क्या इसकी तकलीफें हो सकती है उसको ढंग से सरकार ने रिव्यू नहीं किया और उसी के कारण से प्रॉब्लम एक्यूमुलेट हो रही है। और मेरा ये मानना है कि अभी ये मोदी जी का ये कम से कम इलेक्शन तक तो पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक एक्यूमुलेशन इनका चलता है। पंकज जोशी साहब, मोदी जी कहते हैं कि 65% देश युवा है, 35 साल से कम की आबादी वाले युवा है, उनके लिए तो भविष्य के रास्ते बंद हैं, क्या ऐसा मान लीजिए? नहीं, देखिए अशोक जी, 5 साल 10 साल का रिव्यू अगर करेंगे तो वो आबादी नहीं अभी लगातार जो है, देखिए मैं आपको दो चीज कह रहा हूँ। एक तो क्या है कि उपभोक्ताओं का जो बेसिकली जो वो है फीचर वो बदलता है। आज जो आवश्यकताएं जो है 10 साल या 15 साल पहले थी वो आवश्यकताएं परिवर्तन हुई हैं। अब जो आवश्यकता है आज भी आप देखें कि जो इंडस्ट्रीज पहले बड़ी उस पर चला करती थी आज जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो चल रही है। आज मोबाइल इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज है, ये लगातार चल रही है। और आज आप खुद देखें कि लगातार यदि मेक इन इंडिया की आप बात करें तो मेक इन इंडिया में सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है कि जिन चीजों पर हम आज से ज्यादा हमेशा निर्भर जो है दूसरे देशों पर रह करते थे आज हम खुद उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने में सक्षम हुए और आज उनकी टेक्नोलॉजी को हम लगातार ला करके यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनके अंदर देखिए कुछ वक्त जरूर लगेगा कि आप इमीडिएटली चाहें, क्योंकि अब तक सरकारों ने शर्मा साहब बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि अब तक यदि कभी भी हुआ था तो GDP को जो है कंट्रोल करने में या GDP को जो है एक लेवल पर रखने के लिए कई बार ऐसी पोजिशन हुआ करती थी कि सरकार जो है इन्फ्लेशन को जो है बढ़ाने के काम करती थी, इन्फ्लेशन बढ़ती थी क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने लगातार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए उस GDP को जो है अपने उस पर रखा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सुदृढ़ तरीके हैं इनको अपनाने के लिए देश को गिरी है फिलहाल तो नहीं, लेकिन आप देखिए 2% लेकिन इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन को साथ कंट्रोल करते हुए यदि आप इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे तो उम्मीद कर रहा था कि मोदी जी ने चुनाव के दौरान हमसे वादा किया था इस बार रोजगार भी,
रोजगार देखिए मैं आप कर रहा हूँ, देखिए आज रोजगार जो है आप देखिए खुद मैं आप कर रहा हूँ ना कि आज पहले आप खुद देखिए यूनिट की जितनी देखिए आज मैं कर रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के बाद देखिए आज हुंडई वगैरह हैं जिनकी कंपनी जहाँ लगाने नहीं आती थी आज उनकी यूनिट यहाँ पर लग रही है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों साइड से चाहे बेसिकल नहीं देखिए अब सुरेश जी आकर देख लें एक बार मैं कह रहा हूँ और यदि नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बहस करने की बजाय इनके पास तो 40-40 साल से अर्थशास्त्री रहे और इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो कम से कम इस लोकसभा में बात करनी चाहिए। आज आप लगातार लोकसभा में बात की तो आपने कभी बात नहीं की होगी। मैं कह रहा हूँ आज आपने आप खुद देखे कि मोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए आज इनके इंडस्ट्रीज के लिए लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी जो है सबसे लगातार यदि चाइना में कौशल की चाइना जो आज बढ़ा है चौधरी जी मैं बोल रहे हैं अपनी बात पूरी कर लूँ आपके मैं कह रहा हूँ चाइना आज यदि बढ़ा आगे तो अपने कौशल के माध्यम से बढ़ा। सबसे बड़ी चीज उसके पास कौशल था, उस कौशल के कारण जो है उसने पूरे विश्व में जो है अपना वो किया। आज हम उसी चीज पे आ रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं जो कौशल है हमारी जो वर्क स्पीड है वो अच्छी और गुणवत्ता होनी चाहिए जिससे हम जो है उसको पूरे जो है विश्व को हम जो है कंपीट कर पाए। युवा ठगा गया है या फिर युवा के लिए कोई ऑप्शन छोड़ा है सरकार ने? इसमें मैं कह रहा हूँ पूरा देश ठगा गया, एक युवा पे मत जाए, पूरा देश ठगा गया। पंकज जी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस मैं कह रहा हूँ ना, नहीं नहीं कांग्रेस ने बुरा किया इसीलिए कांग्रेस ठगी गई नहीं गई कांग्रेस ठगी गई नहीं गई ये बताएं पहले आप, इसीलिए कांग्रेस सत्ता से गई। नहीं नहीं कांग्रेस ठगी गई कि नहीं, इनकार मत करो स्वीकारो। मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। इस देश में केंद्र सरकार के टोटल कर्मचारी 2.25 करोड़ 2 करोड़ को रोजगार कैसे देंगे? एक बात, आज 3.5 साल हो गए, 7 करोड़ को रोजगार दे देना। सरकारी नौकरी की बात नहीं थी, रोजगार सृजन के अवसर की बात थी। चुनावी वादे को जुमला बना के बाद में कहा रोजगार का सृजन करेंगे, मैं उस पर आ जाता हूँ। क्या 7.25 करोड़ लोगों के रोजगार का सृजन कर दिया? स्किल इंडिया की बात। आज जो प्रधानमंत्री जी देश के तमाम व्यापारियों को चोर समझे, वही व्यापारी जो पूरे विश्व में कहीं व्यापार करने अगर इंडिया में आएगा तो यहाँ के उद्योगपति से संपर्क करेगा, उनसे यहाँ के हालात के बारे चौधरी में जी चोर चोर कहेगा, सिंपैथी के माहौल के बारे में चौधरी जी चोर चोर कहेंगे जो है सिंपैथी मत बटोरी है। आप कभी नहीं कहा गया ये, इस देश के हर एक नागरिक को विश्वास किया गया है, ये गलत बात है। देश जान गया पंकज जी, आपकी पहचान का देश को पता लग गया, इसलिए ये बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है सुधरने का, इस देश को डूबने से बचाओ, अर्थव्यवस्था को ठीक करो। पर आप अगर राजा को लेके आए, कनिमोजी जी को लेके आए, आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हटके सच्ची बात आपके अपने प्रधानमंत्री जी से कहो। हम भी अपने प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, हमारी पार्टी भी कहने को तैयार है, सच्चे काम में मैं, हम आपका साहब का भी रुख करना चाह रहा हूं। मेरी बात वो बीच में बोल गए, पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ देश के अंदर जो हालात बने आज, युवा परेशान, उद्योगपति परेशान, बिल्डर परेशान, मजदूर परेशान, तो क्या सारे देश में सारी स्थिति सारा देश झूठा और एक प्रधानमंत्री जी सच्चे हैं? वो प्रधानमंत्री इसी देश के तो हैं। मैं मेरा सवाल पहले युवा वर्ग से जुड़ा हुआ था, इसी जनता ने तो वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया। शर्मा साहब, आप उस युवा वर्ग के साथ काम करते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से और रोजगार को लेकर क्या वो अपेक्षाएं पूरी हो रही है? देखिए, एक तो विभेद करना पड़ेगा नौकरी और रोजगार में। जब मैं रोजगार ही पूछ रहा हूं, जब केंद्र सरकार या ये कहें कि मोदी सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, तो इसका मतलब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और मैं उस संदर्भ में ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया का एक जो महत्वाकांक्षी जो प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, देखिए बड़े लार्ज परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि आज वो उद्योग धंधे जो वर्तमान में अच्छे लग रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें नए उद्योग और नई तकनीकी को अपनाना होगा। आज अगर बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं तो उससे रोजगार का सृजन होगा। आज अगर हम कहें कि आज 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 नहीं, आप सुनिए, एक मिनट, आप एक धारा में बैठे, देखिए मेरी बात को आपको, आप सुनिए, कितने लोग तकनीकी तकनीकी अगर आप पुरानी तकनीकी के आधार पर राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, आपको नई टेक्नोलॉजी लानी होगी। आज आज पूरी पूरी दुनिया 7 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन कर दिया, पूरी दुनिया, आप ये तो बताएं 7 करोड़ लोगों का सृजन कर दिया क्या रोजगार? पूरी दुनिया में आप तो भ्रमित कर रहे हैं, एक पार्टी की राय पेश कर रहे हैं आप, पूरी दुनिया में विशेषज्ञ है। एक बार बात पूरी होने दीजिए, मैं पंकज जी के पास आके चलने वाली
व्हीकल्स बंद होने जा रहे हैं, तो क्या आज हम उन्हीं उद्योगों को स्थापित करें? क्या हम नई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आए? क्या हम इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के द्वारा नई टेक्नोलॉजी लाकर हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं? देखिए जो टेक्नोलॉजी की बात है, न केवल हमारे यहाँ बल्कि उनसे रोजगार सृजन। देखिए आज हम यदि आप खुद देखें तो सॉफ्टवेयर, आरोप तो ये है कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया दोनों विफल रहे हैं अपने। नहीं नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल सफल रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। आप तो आज जिन चीजों में रहे, आज आप जिन जिन चीजों में रहे, लगातार उन चीजों के जो है बाहर में हम लोग उनके लिए जो है व्यवस्था रख रहे हैं और बाहर की जो है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। पहली चीज, आज मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन, मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो है जब सॉफ्टवेयर आए थे, जब सॉफ्टवेयर शुरू हुआ तो बेसिकली भारत को कितनी जरूरत थी और भारत ने पूरे विश्व को कितना कम्पीट किया। मैं कह रहा हूँ आज भी हमारा युवा जो है पूरे विश्व को कम्पीट करने के लिए तैयार है, उसको खाली चाहिए तो कौशल चाहिए, और उस कौशल के लिए लगातार जो है व्यवस्था की जा रही है। और ये पहलू आ गया, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, उससे पहले कोठारी साहब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बात करना चाहता हूं। इसको लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, आर्थिक तरक्की से इसको जोड़कर देखा गया, क्या वो आर्थिक तरक्की आज इन फैसलों के कारण जो रोजाना कीमतें बदल रही हैं और जिस तरह से 100 के करीब पहुंचने की बात की जा रही है फ्यूल की, लगता है कि गड़बड़ होगा मामला? देखिए उसमें जो डेली प्राइस की बात है वो तो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, जिसको हम पैदा नहीं कर सकते, तो उसका कोई ना कोई सिस्टम आपको आम आदमी के जहन में ये बात डाली जाती है कि 45 रुपए के करीब लागत है। और हाँ, वो आपका कहना सही है, वो आपका कहना सही है, क्योंकि इसमें हमारा टैक्सेज का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं पे 45% आपका वेट है, कहीं पे 35% है, वो है। वो एक पूरे देश में हर राज्य सरकार का एक सिस्टम बनना चाहिए कि ये वेट रहेगा। तो अब ठीक है, जो भी है भोगना तो पड़ेगा उसका, चाहे 100 रुपया हो जाए, 150 रुपया हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक टैक्सेशन का जो पार्ट है वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस, आप जैसे 28% हाईएस्ट रेट है जीएसटी की, आप उसमें डाल दीजिए। अब 28% तो बहुत टैक्स होता है, और नहीं है तो अब अच्छा, लोगों को अब तक तो क्या है कि मनी का फ्लो था इसलिए ये फीलिंग नहीं हो रही थी, अब आप ये मंदी के दौर में इसकी फीलिंग ज़्यादा हो गया, तो ये भी एक नया सिरदर्द बन सकता है। अगर इंटरनेशनल में मार्केट का प्राइस में उछाल आया तो ये तो सरकार को करना पड़ेगा। अब इसमें तो और कोई विकल्प हमारे पास में है ही नहीं, तो एक पूरा यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम कि आप हर स्टेट पे एक तरीके का वेट लगे, ये सबको एक टेबल पे बैठ के काम करना चाहिए। चलिए पहलू कई और हैं, लेकिन आपका जवाब क्या कहता है लौटेंगे ब्रेक के बाद। नोटबंदी के टाइम तो क्या हुआ कि आम जनता के पास पैसा था, वो 2 नंबर का जो पैसा था वो यूज करने में लगा हुआ था, तो हमारे पास बिक्री अच्छी थी। अभी जो मसला है जीएसटी का, उसमें कारोबार एकदम ठप पड़ा है, आगे का पता नहीं क्या होगा। मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद जो आश्वासन दिए थे उन आश्वासन तो पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि नोटबंदी होने के बाद व्यापार ठप सा हो गया है। नोटबंदी की मार अभी झेल के पूरी कम्प्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले जीएसटी लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने से देश में एक डर सा माहौल है, व्यापारी को पता नहीं है कि भविष्य में इससे जाके फायदा होगा या नुकसान होगा, देश को फायदा होगा या नुकसान होगा, परंतु इस टाइम व्यापारी काफी पीड़ित है।